नमस्कार साथियों, मैं सुशील सिंह आपका स्वागत करता हूं श्रीकांति फिंगरप्रिंट ब्रेन मैपिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बेसिक जानकारी डीएमआईटी टेस्ट के। डर्मेटोग्राफिक्स फिंगरप्रिंट का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। डर्मेटोग्राफिक्स विज्ञान की उस शाखा को संदर्भित करता है जो हाथ की उंगलियों, पैर की उंगलियों और मनुष्य के तलवों पर मौजूद खाल, त्वचीय लकीरों के पैटर्न का अध्ययन करती है। यह हमारी उंगलियों और हमारे आंतरिक गुणों और प्रतिभाओं के बीच जन्मजात संबंधों को प्रकट करता है। 400 वर्षों के शोध के साथ डर्मेटोग्राफिक्स का पूर्ण वैज्ञानिक आधार है। यह मानव विज्ञान, अनुवंशिकी, चिकित्सा और सांख्यिकी में साक्ष्य के साथ विश्लेषण और सिद्ध होता है। हाल के वर्षों में यूएस, जापान आदि ने सिंड्रोम, जन्मजात विकारों, आनुवंशिक असमानताओं के निदान के लिए डर्मेटोग्राफिक्स लागू किया है और इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, मानव कर्मचारी भर्ती आदि में भी किया जाता है। डर्मेटोग्राफिक्स का इतिहास। सन 1684 में डॉक्टर नेहमिया ग्रेव ने रॉयल सोसाइटी को डर्मेटोग्राफिक्स के लिए फिंगरप्रिंट, हथेलियाँ और तरवों का परिचय प्रस्तुत किया। सन 1685 में डॉक्टर बिदलो ने एक शारीरिक एटलस एनाटोमिया हमनी कॉर्पोरेट प्रकाशित किया, जिसमें चित्रण, जीवित दृष्टिकोण और विच्छेदित कैडस दोनों के रूप में मानव आकृति को दर्शाते हैं। सन 1686 में डॉक्टर मार्सेलो माल्फिगी ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया कि उंगलियों के निशान में लकीरें स्पाइरल और लूप होते हैं। सन 1788 में जेके फिंगरप्रिंट विश्लेषण के बुनियादी सिद्धांतों को लिखने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने कहा कि उंगलियों के निशान अद्वितीय हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खाते। सन 1823 में जोहान्स इवेंजेलिस्टा पुकलिंगी ने पाया कि किसी की उंगलियों पर पैटर्न और किसी के पिंड पर लकीरें और रेखाएं मां के गर्भ में 13वें सप्ताह के आसपास बनना शुरू होती हैं। सन 1823 में डॉक्टर जॉन पुकलिंगी ने उंगलियों पर पेपिलरी रेखाओं को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया, बांटा। आर्क, टेंटेड आर्क, अनुलर लूप, रेडियल लूप, पीकॉक्स आई, कंपाउंड, स्पाइरल वॉल, एलिप्टिकल वॉल, सर्कुलर एंड डबल लूप कंपोजिट। सन 1832 में डॉक्टर चार्ल्स बेल ने नैदानिक अभ्यास के साथ न्यूरोनोटामी के वैज्ञानिक अध्ययन को संयोजित करने वाले पहले चिकित्सकों में से एक थे। उन्होंने द हैंड, इट्स मैकेनिज्म एंड वाइटल एंडाउमेंट्स इन इवनिंग डिजाइन प्रकाशित किया। सन 1893 में डॉक्टर फ्रांसिस गाल्टन ने अपनी पुस्तक फिंगरप्रिंट प्रकाशित की, जिसमें उंगलियों के निशान की व्यक्तिता और अस्तित्व स्थापित किया गया। पुस्तक में उंगलियों के निशान के लिए पहली वर्गीकरण प्रणाली शामिल थी, आर्क, लूप एंड वॉल। सन 1897 में हैरिस हॉथोर्न वाल्टर डर्मेटोग्राफिक्स का अध्ययन करने वाले पहले अमेरिकी थे। उन्होंने मेल लाइन इंडेक्स का आविष्कार किया, पतले हाइपोथेनर प्रख्यात जोन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का अध्ययन किया। सन 1926 में डॉक्टर हेरोल्ड कमिंस और डॉक्टर चार्ल्स मिडलो ने डर्मेटोग्राफिक्स शब्द को गढ़ा। उन्होंने दिखाया कि हाथ में महत्वपूर्ण डर्मेटोग्राफिक कॉन्फिगरेशन शामिल था जो नए जन्मे बच्चे में मैंगोलिज्म की पहचान में सहायता करता है। सन 1936 में डॉक्टर हेरोल्ड कमिंस और डॉक्टर चार्ल्स मिडलो ने भी त्वचा के रिच पैटर्न की भ्रूण उत्पत्ति पर शोध किया और यह स्थापित किया कि फिंगरप्रिंट पैटर्न वास्तव में माँ के गर्भ में विकसित होते हैं और चौथे भ्रूण महीने द्वारा पूरी तरह से बनते हैं। सन 1957 में डॉक्टर वर्कर ने मैंगोलिज्म के निदान में त्वचीय विन्यास का उपयोग किया। सन 1969 में जॉन जे मुलविहिल एमडी और डेविड डब्ल्यू स्मिथ एमडी ने द जेनेसिस ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स प्रकाशित किया, जो कि उंगलियों के निशान बनाने के तरीके का नवीनतम संस्करण प्रदान करता है। सन 1926 में डर्मेटोग्राफिक्स के पिता हेरोल्ड कमिंस, डर्मेटोग्राफिक्स के पिता और सी मिडलो ने फिंगरप्रिंट विश्लेषण के सभी पहलुओं का अध्ययन किया, नृविज्ञान से लेकर आनुवंशिकी और भ्रूण विज्ञान परिप्रेक्ष्य तक। सन 1943 में उन्होंने डर्मेटोग्राफिक्स के क्षेत्र में एक पुस्तक फिंगरप्रिंट पाम्स एंड सोल नामक पुस्तक प्रकाशित की। हेरोल्ड कमिंस सन 1933 से सन 1945 के बीच में माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अध्यक्ष रहे और इसके साथ साथ वो सन 1933 से सन 1966 तक एनाटॉमी विभाग का अध्यक्ष रहे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि उंगलियों के निशान की अवधि के 13वें सप्ताह से उंगलियों के निशान विकसित होने लगते हैं और यह वही अवधि होती है जब मस्तिष्क विकसित होने लगता है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि जिस बच्चे का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ है उसकी उंगलियों के निशान भी अविकसित पाए जाते हैं।
इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है और यह प्रकृति में जन्मजात है। डाउन सिंड्रोम के मरीज मानसिक रूप से 100% मंद होते हैं और उनकी उंगलियों के निशान भी अविकसित पाए जाते हैं। वर्ष 2000 में न्यूयॉर्क के सेंट लुइस अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट के डॉक्टर स्टोन्स ने डर्मेटोग्राफिस के साथ 90% सटीकता के साथ सिजोफ्रेनिया और ल्यूकेमिया का निदान करने में सक्षम होने का दावा किया है। जर्मनी में डॉक्टर एलेक्जेंडर रोडवेल्ड की रिपोर्ट है कि वह डर्मेटोग्राफिस के साथ 90% सटीकता के साथ कई जन्मजात असामान्यताओं को इंगित कर सकता है। डर्मेटोग्राफिक्स द्वारा हमारी उंगलियों और हमारे आंतरिक गुणों और प्रतिभाओं के बीच जन्मजात संबंध का पता चलता है। प्रतिभा और बुद्धिमानी के इन परीक्षण के साथ किसी को शैक्षिक, व्यक्तिगत और करियर की सफलता में सबसे अच्छा मार्गदर्शन किया जा सकता है। पहले इन संभावनाओं को जानकर आप अपनी कमजोरियों को बढ़ाने और प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं ताकि सीखना सबसे सुखद और प्रभावी हो। सन 1970 में USSR पूर्व सोवियत संघ ओलंपिक के लिए प्रतियोगी का चयन करने में डर्मेटोग्राफिस का उपयोग किया और 50 से अधिक स्वर्ण पदक जीते। सन 1980 में चीन डर्मेटोग्राफिक्स और मानव जीनोम परिप्रेक्ष्य में मानव क्षमता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा के अनुसंधान कार्य करता है। हार्वर्ड गार्डनर सन 1943 में न्यूरोलॉजी में बोस्टन स्कूल ऑफ मेडिसिन से स्नातक हुए। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल के प्रोफेसर और मनोवैज्ञानिक शिक्षा में वह खुफिया को इस प्रकार परिभाषित करता है, समस्याओं या फैशन उत्पादों को हल करने की क्षमता को एक या अधिक संस्कृतियों में मूल्यवान है। यह है कि हम जानकारी कैसे सीखते हैं, प्रक्रिया करते हैं और समझते हैं। उनकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 शामिल हैं। उन्होंने 1983 में एक प्रसिद्ध पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड प्रकाशित की। हमारा ऑडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ऑडियो सुनने के लिए आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत